ओम शांति। 4/6/2022 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियां हो। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है। अपने बहन भाइयों को सच्चा रास्ता बताना है। प्रश्न, तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है? उत्तर, बच्चे बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है, तो तुम्हारा फर्ज है घर घर में यह पैगाम दो। बाप का मददगार बन, घर घर को स्वर्ग बनाओ। कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। बाप समान निरहंकारी निराकारी बन, सबकी खिदमत करो। सारी दुनिया को रावण दुश्मन के चंबे से छुड़ाना, यह सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों की है। गीत, माता ओ माता। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, श्रीमत पर बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। परमत व मनमत पर नहीं चलना है। नष्ट मोहा बन, हिम्मत रख, सर्विस में लगना है। दूसरा, अभी हम पियर घर में हैं, यहाँ किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। स्वयं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारना है, पवित्र रहना है। वरदान, दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। पुण्य आत्मा वह है जो कभी किसी को न दुख दे और न दुख ले, बल्कि दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करे। ग्लानि को प्रशंसा समझे तब कहेंगे पुण्य आत्मा। यह पाठ सदा पक्का रहे कि गाली देने वाली व दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखना है, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वह गाली दें और आप फूल चढ़ाओ तब कहेंगे पुण्य आत्मा। स्लोगन, बाप दादा को नयनों में समाने वाले ही जहान के नूर नूरे जहान हैं। ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। आप दृष्टि